अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ यकूब साहब हैं इटली में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और यकूब साहब को आज फिर कहा कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना। यकूब साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी सब तो पहले मेजर तुम्हारी पूरी टीम ते तमाम पाकिस्तानियों मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूं सुबह ना मैं काम से दफ्तर जाने तो मैं फोन ऑन किया सुबह गल सी नहीं दो दिन करी ना एक मैं मौलवी तक तो मैं नाम बड़ा लोड़े नहीं लगा मैं काली दाड़ी है कोई जवान जहा बंद तो कोई बड़ा वड्डा कोई दगड़ दला और साड़ी पार्टी का अपने आप तरीके लबैक शो करता पाया और तरीके लबैक कोई शो नहीं। एक परसों चौथ दस मेरा नाम पता नहीं सफर मैं नाम बड़ा पढ़िया लम्मा जा उच्चा कद कोई बड़ी वीडी किसी बगैर तमान का बच्चा है तो बड़ा पौंक दिया पा सब्जियां के भाव पे दस दिया थले लाई से दगड़ दले की और जरा कंजरी का पुत्र है वह नसीम ढकड़ी का जरा नस के बैठे उ इंग्लैंड उसकी फोटो लाई बुरी कुत्ते की प्या दिया इस जमाने च ए भा है पेट्रोल का इस जमाने च मरूदा का भा है इस जमाने च मूलियां का भा है वह भा पा दस दिया और सुरद्या बचे जो सत सत्तर पढ़ लो तारीख तको कोई सज्जू खपी हो एवं तो कोई चार कौड़ियां उठ के पौकड़ ला पाते हो। अजकल जवेद साहब कंप्यूटर दौर है मोबाइल है जी गल मूह च कड़नी है हम मैं लगे मैं गल कर मैं चंकी करनी है मैं माड़ी करनी है मेरे पीरों मुरशद भी तकते हैं पे मेरे घर के भी मेरे तकते हैं पे मेरे यार दोस्त भी तकते हैं पे जिन्हों मैं 22 साल लाहौरों को ड्राइवरी की है वह भी मैं तकते हैं पे जी मेरे 5 साल मैं फ्रांस कटे ने भी तकते हैं पे जे इतने 28 साल हर बंदा मैं तकता पाया जो मैं जानता है जी मैं गल करनी नोट हो जानी है हर बंदे मेरी औकात का भी पता है हर बंदे मेरे शजरे नसल का भी पता है मेरे मां बाप का भी पता है मैं गल धड़के करना कि मैं नेक मैं तो दस नहीं पहले कि मैं तीन फखर ने कि मैं रब ने उमती बनाया तो हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार का उमती बनाया त्रै ही मैं फखर ने जे मां बाप दिता है तो फकीर नेक दिता है मजदूरी करके कमा खुआने वाला समझा के नहीं आ गई दो फखर हो गए तीजा फखर मैं जो मैं मजहब लगा तो सच्चा तो सुचा लगा मैं समझा के नहीं मैं जिंदगी हराम नहीं खादा मेरा पीरो मुर्शद कामल मेरा नबी कामल। अच्छा ये बताइए मेरा मां बाप कामल यकूब साहब आप आपके लिए मतलब जेड़ी तुसी गल मुंह च कढ़ ली है करो हुक्म करो मैं सुन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मौलवी ने क्या सुबह सुबह टेंशन दे दी आपको कहा था ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना तो मौलवी ने तो हाई कर दिया आपका ब्लड प्रेशर। मौलवी तो होते हैं कि वो मौलवी ऐसा कोई पक्का किसी बगैरत नस्ल का बगैरत है वो जनाब दी बूढ़ी कुत्ते दी फोटो ला के वो दले दी ते लगिया कर अमरूदा का पाया उसके दौर च आया तो मूलियां का पाया और जालम दिया बचे जिस वे सत सारे पुटो कुदरती गल जवेद साहब मनु हराम दे बंदे तू नफरत की रही है पदाशी तुम दस ना मैं गुजरात की मिट्टी मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि कस्बे कमाल कुन है गुजरात का बंदा जरा लालदा वेला वह मर जाएगा शहीद हो जाएगा वह गलत काम नहीं कर जरा राम का बंदा वेला गुजरात का चोर होगा वह सियालकोटी चोर नहीं हो लगा गुजरात का चोर मर जाएगा चोरी नहीं मन लगा थाने पुलिस बैक मार ले और मैं वेख्या जे अपने सामने थाने पा लिया नहीं कि चोर पूरी रात पुलिस मार दी रही उन्होंने ज्यादा फड़ के पुलिस ने वो चोर है मझा चोरी कर दिया तो उन्होंने आख्या पैर परने बह जा थाने जाके वह चौकड़ी मार के बह गया वह पूरी रात पुलिस मार दी वो चौकड़ी पट उन्होंने मैं भी बोला जा मैं फिर मुड़के जी है जवान मैं बजुर्गों गया साड़ी को अपनी खानदानी भंडी निकी जी लगती चाचा ताया की तो सानू फिर मेरे नानक फालिए तो जनाब जी मैं मैंने भोले जा कर बजुर्गो तुम पूरी रात से मार खाते रहे तो चौकड़ी पट्टो पैर पर बह जाओ मैं पुत्र तू निका तू जगत मार के बंजी से पाओ तो केस है निकला जहा तो मेरा केस लम्मा है ये मैं भुगतना है। अच्छा वह ना बेसी उन्होंने पुरुष छड़ता मरने के करीब होगा थाना दस घंटों बाद भैन तो मर जाएगा साढ़े मत्थे लगे तो एडा रामी इन्हें मरना को नहीं है चोरी करना सारे वास्ते पूरी रात मैं मारना मेरे को 80 मझा नहीं मुड़ जड़ी मैं ली तो मैं एक आदा मेरे को मझा मैं एक मन सारिया मंगनिया मेरे को मझा वो आदा जे देना चौकड़ी पटवाई है पूरी रात मेरे को मैं चौकड़ी नहीं पट्टी मैं मझा पास जान दिता ही नहीं चौकड़ी पट्टा मझा दयागा ना है हाँ जी। ए पूरी रात मैं मार मारना मनू भी लेने
मैं चुकनी नहीं पटनी मज मैं कितों देनी है। ये साड़ी गुजरात की मिट्टी है। मैं तो दस्सिया सी ना पहले अर्ज की वह मैं मौलवी हूँ पाकिस्तान दिया डाकुआ बड़ा जानता जे मैं लेकिन मेरे ना वास्ता पैदा रहा तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है वो लगे है पाकड़ मौलवी और तू मैनू ये दस और जालम दिया बच्चा तू ये दस मैनू तू इमरान खान के खिलाफ पाकड़े पिया और तू ओ घंटे बराबर नहीं है जालम पूरी दुनिया मनती है वह आलमे इस्लाम का हीरो है मेरे को मामे का पुत्र नहीं मैं तुम तो दस नहीं ना पिछली बारी कसम चुके मैं अज तक तकी नहीं खोलोगी बेनजीर तकिया इस दल नवाज में मैं लाहौर बड़ी बार तकिया गंदे गंदे अंडे गंदी नस्ल दे सारा मुल्क लुट के ला गया कितों ना ये लीडर है ना इंसान है ना इंसान का बच्चा है और जी तारीफा पे करते कोई बगैर तो मोटरवे ने बनाई है कोई है और दलिया मोटरवे बनाई तो कुड़ी की कमाई ना बनाई कल मोटरवे बनाई साडा मुल्क लुटिया उस मोटरवे ने चार बारी बेचिया और ये तगड़ा बंदा इंडिया चो है बाजारे उसने नहीं पता के लिया कितों है किने क्लेम किया पाकिस्तान जगह कि मेरी जमीन आई चार मरबे उत्थे कि मेरी कोठी क्लेम नहीं किया एक आने का ग्वाल मंडी दो कमरे का मकान खुदा वास्ते लभ है इन्होंने औकात आई जितने तरीके लबैक आए मैं तरीके लबैक आए तरीके लबैक आए सरको शहर शरीफ आए तरीके लबैक आए सबदादे अहमदरदार साहब फैसलाबादी तरीके लबैक आए ने सखी सुल्तान बहू वाले तरीके लबैक करे ना पीर सैयद जमाल सिंह मोहतो सलीपुरी शहनशाह राजदास गुजरात वाले तरीके लबैक करे ना पीर मेरे से गोरे सिंह सरकार वाले उन्होंने नसल जो कोई तक एक बंदा कोई दवाई पाँद इस तरह कद गला खोलता वो तो अपने आराम गल करेंगे तो हालात के दायरे च रह के को मजहबी गल करेंगे उन्होंने जो कोई तक देखो वेखिया बंदा अज तक जे मैं ना लाए ने या जे उस लाइन में फॉलो करने वाले पूरे पाकिस्तान चु सा लाइन के जे मैं ना ले ने मैं उन्होंने मुरीद जे सारे का बदनाम करो इना जना बड़ी पिछले कोई महीना की पहला ना इंग्लैंड भी चक्कर मारे तार लुका दी मुंडे नूं चार भी ना क्यों लैके ना निका जिहा हाल वह ठुस हो गया उत्थे ही बह गया एक मेरा पतरिया भी ठुस हो गया हूँ दो और ही कल परसों को मकस दफ्तर ना था अज कोई ना जबा मैं को बड़ा कुछ चबराड़ जहा बड़ा कुछ साडा जहा फिटे और बगैरत आदमी और जे तू इज्जत नहीं कमानी जो कोई तू पौंकना पे तेरी औलाद से असर पवेगा तेरे मां बाप से असर पवेगा नहीं वो क्या कह रहा था यकूब साहब उसने क्या कह दिया यही बताया ना कि पहले महंगाई थी या सस्ता था मैं तो सुना नहीं तो आपका भतीजा कौन सा है जो ठुस कर गया उसका नाम तो बताए इनको और तुहानू दस्या ना मैं जो मेरा भतीजा लाहौर में कदों का कद ऊठे दे कद खोते दे कद घोड़े दे कद मोटरसाइकिल दे कद पैदल कद कुछ कद कैमरे सामने तो तुहानू पता है तुसी हुण जान के आदे तो मैं दस ना मेरा भतीजा एक ही है साल रही पूरे पाकिस्तान सजाना सोना क्या बात है बोलदा मोती बिखरदे ने हैं मुंहे चो लफ्ज थोड़े थुक्कां बहुतियां फरदियां हैं ओ मैं इस बंदे दी गल पे करदे सिरे मैं ना ही दा मन लबा ਉਹ ਭਰਾ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦਲਿਆ ਦੱਸ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਕਿੱਥਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਹਨਮ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜੱਜਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਛੱਟੀ ਇਸ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਨਰਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮਨੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਸਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਹਲ ਰਹੇ ਆਸੂ ਕਹਿ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੱਬੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦੀ ਡੱਬੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੱਸਣ ਗਏ ਦੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਘੱਟ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2 ਮਿਲੇ ਦੀ ਲੀਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ 5 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਓਏ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਉਠਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਵੀ ਹਮੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੀ
तो ये कुराने पाक तो बड़ी अहम किताब है, इसके बाद अदालतों को इमरान खान के जो फैसले हैं उस पर नजरसानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं अर्ज कर रहा जवेद साहब उन्होंने कुरान चुके पाकिस्तानी, मैं अच्छे कुरान पाक लिया के मैं टीवी से लाइव ले लो, मैं चुकना कुरान असल मैं कहना, ना मैं सियासतदान ना मैं सियासी पार्टी का बंदा ना मैं पाकिस्तान जासना बीमार हूं मैं, लेकिन मैं कुरान जामन दे गया हाँ कि इमरान खान रब ने मिट्टी वो बनाई है जरा ना मुल्क बेवफाई कर सकता है ना वो अपनी पार्टी ने बेवफाई कर ना उन्हें किसी आखिया। मैं कहना कि उन्हें जजा से भी लानत, उन्हें जरनैलों से भी लानत, जेड़े इस दज्जाल की गल मन शक्ल तको, यदि शक्ल तकी है बंदा महीना बीमार हो जाता है, यदि शक्ल तको नासा किरले वाली मूह सप्पे वाला आता यजीद वाली पूरा जिसम इधर लाई है तुम मम्मी तक लो फिरा ये मम्मी उदी वाला ये इन्ना की इन्हें जुलम किया मुल्क से जरा सारे मौलवी भौंक दिया पे तू भा दस रहे मंडी के पे जेड़ा बाजवे लुटे मुल्क जेड़ा इन्हें सतारा पार्टियां ने डेढ़ साल लुटे है जेड़े इन्हें हूं लियादे ने उ मुनाफक ने दज्जाल ने बगैर दरिंदे ने दसता पा अगले सतारा पार्टियां जाइए हूँ सूर ए चार पांच बंद तो फिर सैकड़े बंद ने कि ना कि मैं ना ला तो मैं मोटे मोटे दसना ए चीफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर सिकंदर कंजर ए काजी फारी साहब चीफ जस्टिस बैठे है जेड पांच सात जस्टिस चीफ होर ने सुप्रीम कोर्ट के या जो हाईकोर्ट का अमन फरूक है या जो उन्होंने बनाया निगरान वजीर आजम जो जरा मौरासिया की घीसी के मूहे वाला जन जिस जन्मी ना लैके मक्की शरीफ गया इन्हें आराम ही नहीं बनया रहे आराम में शैतान देखे है मैं पतलू ही शैतान टके है जिस साले ना अपनी टखनियों लग गया ना जी सारे जरनैलों ने बगेड़े बूहे बूहे फिर है पी व मेरे जने बचा के रखियो है वो जनाबे वाली ये ना लो घीसी वाले बंदर उसे ना लग गया जी पहले दाड़े सऊदी आ गया जिन्हें ना लो खड़े है मोहसिन नकवी और लहरा था उसने पहला उड़ते मुसलमान कह दो मैं नहीं है मुसलमान मनता जेड़े जनरल या जज इस आसमे मुनाफक दज्जाल नु फॉलो पे करते हैं मैं उन्होंने मुसलमान नहीं है मनता जिन्हें कुरान की अलफ की खिलाफवर्जी की है जिन्हें चुके है कुरान अलफ से कि मैं पुराने इंजन की हिफाजत करा कि मुल्क से कब्जा करके बह गया विके किसी का लिया है तुम उन्होंने मुसलमान मनते हो जवेद साहब तो मैं उस मौलवी ने इन्नी गल कहना कि जालमो अपनी आकबत खराब ना करो तुम ये दसो कि नवाज शरीफ की किया मुल्क न जरदारी की किया फजरंडू की किया जनरल की किया तो इमरान खान के बारे च पांच हजार रुपए की करप्शन दस नारे दर थोड़े से जो केस ही ना बनाए ने जवेद साहब दुबई एक जरा प्यार जो साइफर एक कुड़ी किस किनू लीडर कुड़ी जी है वो सारे मुल्क ठंडिया कर बैठी है उन्होंने ये नहीं पता बस साइफर किनू कहते हैं आज ही अगर सू साइफर भी कोई किसी करना पड़ते हैं खानदान च ना इन्हों को इलम ना अकल ना शकल इन्हों की शकल तको पहली ओरिजिनल सिर तको नवाज शरीफ का शबाज शरीफ का जरदारी का खानदान उनकी औलाद तको इन्हों की औलाद तको कि वह बफलू ने औलाद कोई बबलू है कोई गुगलू है, है? ये नस्ल ने ना इन्हों को इलम है ना वो इमरान खान पैदा होने ला के मां बाप तको दादा अहमद खान तको उसकी नस्ल तको उसकी मां का खानदान नानका घर बरकी इंडिये ओ तको जालमो हूं की शक्ल तको मुंह से नूर वसद रुपए की करप्शन जाहिर करो। चलो बहुत शुक्रिया, बड़ा लंबा हो गया जी प्रोग्राम। जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये पहले बताया गया है कि ब्लड प्रेशर बड़ा कूल डाउन रहना, उसके बावजूद आज वो गाली भी माजरत के साथ नहीं काट रहे हम। कुछ लोग कहते थे कि जी चलने दो, लेकिन वो गाली किसी चोर को निकाली डाकू को निकाली। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो।